भाग्य या किस्मत वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपनी पूरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं डरते, हार से भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारी जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए अपनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। सुनिए वो कहानी जो आपको बताएगी जीवन में सफलता पाने का राज। एक बार सुकरात से किसी आदमी ने पूछा, सफलता का क्या राज है? सुकरात उसे नदी किनारे ले गए और बोले कि सफलता का राज नदी में है, इसलिए अंदर चलो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी सुकरात के साथ नदी में घुस गया। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबो दी और खुद उसके कंधों पर बैठ गए। उस आदमी ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वह शक्तिशाली सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में नाकाम रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था उसे लगता लगा कि वह तो इस पागल सुकरात के हाथों मारा जाएगा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकरात को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है, तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो क्या कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। सुकरात ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ, मुझे लगा तुम जान मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी ही ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा ये पागल तो मुझे मार डालेगा, यदि मुझे जिंदा रहना है अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और जब मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली तब सुकरात ने उसे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास चाहती है, थोड़ी भी कमी रहने पर वह हमें बीच मझधार में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वरण कर लेती है जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो बस ऐसे ही आप भी जोश लगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सामने इन आँखों में भर लें, अपने मन को कभी मायूस ना करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि अच्छा ही अच्छा मिले आपको, तो ये अच्छा ही होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, आपके सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो हमारे इस चैनल